चाइनीज़ जो अचार बनाते हैं ना ये लोग, मतलब अचार तो थोड़ी डिफरेंट चीज़ होती है, ये पिकलिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस वगैरह जो करते हैं ना, तो वो चीज़ दिखाता हूँ इनकी चाइनीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिकलिंग अचार वगैरह ये बहुत चीज़ें करते हैं, और बहुत काफ़ी चीज़ों की करते हैं जो हमने कभी, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखी जिंदगी में, जो मैंने यहाँ पे चाइना में आके देखी। अभी उसने ना मुझे एक टोफू का थोड़ा सा दिया कि टेस्ट करने के लिए कैसा है, मैं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आया पसंद। ओके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास। अच्छा अभी इनके पास जो पिकल की हुई है ये है ना, ये मेरे ख्याल में ग्रीन लीव्स जो होते हैं ना हमारे पास साग वगैरह की जो इस तरह के, वो ये वो चीज़ है। और ये हमारे पास आपको नज़र आ रहे होंगे ये बीन्स हैं, ये बीन्स हैं। अबे कैमरा सेट क्यों नहीं हो रहा? हाँ ये वो जो दाल होती है सोयाबीन की होती है, कौन सी होती है वो, ये वो दाल है, उसका पिकल किया हुआ है। उसके बाद ये भी उसी तरह के कोई ग्रीन लीव्स वगैरह जो होते हैं वो करते हैं। अच्छा ये अब ये पता नहीं समझ क्या क्या है, और ये भी मुझे समझ है जगह से क्षमा दास है मैंने उसे बोला कि मुझे ट्राई कराए ये क्या चीज़ बुला है, तो क्योंकि ये ना इतनी सारी वैरायटीज़ की वो अचार वगैरह डालते हैं, पिकलिंग करते हैं उसकी, उसको सेव करने के लिए जब इनका सीज़न होता है। यार ये जो भी चीज़ है ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे पसंद आई है। अच्छा अब ये जगह से मांगो माँ मांगो ओके ये यांग जान पता नहीं क्या बुला है, आई डोंट नो, बट ये थू दो। और ये अदरक है, अदरक का अचार आपने कभी देखे? ये अदरक का अचार डाला हुआ है। अच्छा पता व्हाट सो एवर क्या है पता नहीं। अच्छा ये स्पाइसेस चिल्ली, ये चिल्ली है, और ये इनके पास आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मुझे नाम नहीं आता इसका। ये पीनट्स को भी इन्होंने फ्राई फ्रॉम प्रोसेस थ्रू किया हुआ है। और ये टोफू है, टोफू लाइक दिस, ये इसका टेस्ट थोड़ा अचार के थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस ये थ्रू होता है, थोड़ी स्मेली भी होता है, तो मुझे पसंद है लेकिन। अच्छा ये जो है इसको क्या कहते हैं जगह से क्षमा, जगह जाओ तो जगह बुश ही यहाँ ओके ये दासवान कह रही है, ये जो है थूम जिसको हम कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, हम तो सिलेक्टिव में थूम ही कहते हैं। और ये क्या है पता नहीं, ये भी नहीं पता मुझे। तो ये सारी पिकल की हुई इनकी चीज़ें हैं जो ये चाइनीज़ यहाँ पे खाते हैं, और ये क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस पिकलिंग प्रोसेस के थ्रू जो भी चीज़ गुजरती है तो उसकी अफादियत अगर आप अचार के मुकाबले में करो तो वो उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, पता नहीं क्या होता है, वट एवर फर्मेंटेशन प्रोसेस बैक्टीरियल रिएक्शन वगैरह के थ्रू होती है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा ये था आज की वीडियो के लिए, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे चाइनीज़ पिकलिंग वगैरह अचार वगैरह किस तरह डालते हैं, और अभी ये कुछ भी नहीं था, अभी मैं एक और जगह पे गया था वहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ थी उनमें अचार की डाली हुई थी। ये बच्ची पता नहीं मेरे साथ क्या कर रही है, भाग गई डर के बच्चे उनसे डरते। अच्छा तो ये है आज की स्टोरी, थैंक यू कीप वॉचिंग, don't forget to like, follow and share, subscribe my YouTube channel, see you in my next video, thank you, take care, bye. Yaar is bachchi ko dekho ye kya kar raha hai।